हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फैक्ट बॉस। साथ ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी यात्रा में केबल कार की क्या सुविधा है और केबल कार का टिकट प्राइस कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। केबल कार की सुविधा माँ वैष्णो देवी मंदिर से लेकर बाबा भैरवनाथ मंदिर तक ही है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु भैरव घाटी जाकर भैरव मंदिर के दर्शन ना कर लें। लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अक्सर श्रद्धालु इतने थक जाते थे कि वे भैरव घाटी की कड़ी चढ़ाई नहीं कर पाते थे और बिना दर्शन के ही वापस चले जाते थे। वैसे तो वैष्णो देवी से भैरव घाटी की दूरी सिर्फ 3.5 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई अधिक है। खास तौर से बुजुर्ग श्रद्धालु ये कठिन चढ़ाई नहीं चढ़ पाते थे। वैष्णो देवी भवन से भैरवनाथ मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक है वॉक करके और दूसरा है रोपवे केबल कार। चलकर जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और रोपवे से आप 5 मिनट के अंदर ही भैरवनाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। रोपवे केबल कार के टिकट की बात करें तो एक तरफ से टिकट की कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ ही इस केबल कार में एक बारे में 40 से 45 यात्री अपने सामान के साथ आराम से सफ़र कर सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्री भले ही रात में यात्रा करते हों, लेकिन यह सुविधा सिर्फ दिन के वक्त ही मिल पाएगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। रोपवे केबल कार से हर दिन करीब 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव घाटी की यात्रा करते हैं। इस केबल कार के लिए भवन में अलग से टिकट काउंटर बनाया गया है, जहां से आप टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।